हमारे देश में 10 में से 4 लोगों को डिप्रेशन के लक्षण है, ऐसा एक सर्वे बताता है। मतलब 40% पीपल, 40% लोगों को डिप्रेशन है। और यह डिप्रेशन एक तो ब्रेन केमिस्ट्री में असंतुलन हुआ है करके होता है, जैसा कि डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स कम हो गए तो होता है, और वो बिना कारण होता है, वो कम हो गए लेवल्स इसलिए डिप्रेशन आ रहा है, निराशा है। और फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स हुए हैं, तनाव है, स्ट्रेस, किसी की घर में मृत्यु हो गई, मानसिक धक्का बैठ गया, तलाक, अकेलापन, कुछ शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है, कुछ दवाइयाँ खा रहे उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस है, बहुत पैसा डूब गया या धंधा बैठ गया, ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में प्रमुख लक्षण जो है वो है निराशा, उदासीनता, थकान, कुछ भी करने में मन नहीं लगना, इंटरेस्ट नहीं लगना, नींद ज़्यादा आना या कम आना, भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, और कुछ भी मज़ा नहीं आती लाइफ में, जैसा कोई प्लेजर जो है वो निकल गया ऐसा लगता है। तो ये डिप्रेशन के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसा कि नंबर एक हम बोलते हैं मेडिटेशन करो रेगुलरली, हिप्नोथेरेपी करो, योगा करो, प्रकृति के बीच में रहो, बी विथ नेचर, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो 5 से 6 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, अपने पसंदीदा गाने सुनो, अपने पसंदीदा काम करो, इससे डिप्रेशन अच्छा होता है। मगर ये तो माइनर डिप्रेशन में अच्छा हो जाएगा, मगर जो सीवियर डिप्रेशन है जिसमें ब्रेन का असंतुलन हुआ है, उसके लिए एंटी डिप्रेशंस जरूरी है। और एंटी डिप्रेशंस में ऐसे सारा है, डेसवेनलाफेक्सिन, जो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ भी नई निकली हुई है, या फिर ट्राइसाइक्लिक जैसी दवाइयाँ हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ, बहुत दवाइयाँ डिप्रेशन के लिए है। कुछ दवाई ऐसी कि जिससे नींद नहीं आती और डिप्रेशन ठीक होता है, जैसा बुप्रोपियन है, एसिटालोप्राम है, फ्लियोक्सिटिन है, वो सुबह देते हैं। अभी हमारे पास में एक नई ट्रीटमेंट आई हुई है जो है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, RTMS। ये एक मशीन है, मशीन हम सिर को लगाते हैं बाएं बाजू में, मशीन ये जो कॉइल लगाते हैं तो वो कॉइल दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है जिससे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ब्रेन को मिलता है और ब्रेन का असंतुलन ठीक हो जाता है, जो हार्मोन का असंतुलन है वो ठीक हो जाता है। ये 10 से 15 सीटिंग लगता है उसमें, बहुत ही कारगर इलाज है। और वो नहीं काम कर रहा है तो फिर हम शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, स्पेशली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT वो लोगों को दिया जाता है जिनमें बार 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 सुसाइड के विचार आते हैं, मर जाता हूँ मर जाता हूँ, या उसने भी सुसाइड की कोशिश की हुई है, क्योंकि ये खतरा कभी भी हो सकता है कि भाई वो ख़त्म कर देंगे अपनी ज़िंदगी। वैसा डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन है, जैसे मैंने बताया कि 10 में से 4 लोगों को हो रहा है, माइनर डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन है। तो उसके लिए एक सोशल स्टिग्मा करके डॉक्टर के पास में जाना नहीं, मैं कैसे जाऊँ, लोग क्या बोलेंगे, मैं जाऊँगा तो लोग समझेंगे मैं पागल हो गया क्या, मतलब इस तरह से विचार लाना नहीं है। बिना झिझक डॉक्टर के पास में जाना है, दवाई लेना है, ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आप अच्छे हो गए तो आप अपने काम में लग सकते हैं। अदरवाइज जब 10 में से 4 लोगों को डिप्रेशन है और वो जितना चाहे उतना काम नहीं कर सकते हैं, तो देखिए हमारे देश की उत्पादकता कितनी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो ये जल्दी ठीक होना अच्छा है, खुद के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।